Hello everyone, this is Amit Siaram from Modern English Institute. Modern English Institute के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है. तो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने एपिसोड नंबर 2 को बहुत अच्छे से देखा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिली होंगी, है ना. तो एपिसोड नंबर 2 में हमने क्या सीखा, थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं, रिकैप करते हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं, राइट. तो एपिसोड नंबर एक वर्ड अभी मैंने कहा, रीकैप. क्या कहा दोस्तों, हमें कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें वोकैबुलरी सीखना होगा. तो क्या कहा मैंने, रीकैप. इसका फुल फॉर्म होता है रीकैप्चुलेशन. क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, क्या होता है रीकैप्चुलेशन, मतलब जो सीखा है उसको एक बार क्या, रीकैप मतलब रिवाइज करना, रिवाइज के एक प्रकार से फुल फॉर्म होता है, राइट. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था इंग्लिश एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, बात करते हैं तो साउंड आते हैं, साउंड से मिलकर क्या बन जाते हैं, लेटर्स बन. साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर एक स्क्रिप्ट की तरह काम करता है, राइट. स्क्रिप्ट को बनाने में लेटर्स काम करते हैं. लेटर्स से मिलकर बन जाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से मिलकर बन जाते हैं फ्रेज, और फ्रेज से मिलकर बन जाते हैं सेंटेंस. ऐसा हमने सीखा था. और मैंने आपको 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बताए थे कि यू नो द स्टडी ऑफ साउंड क्या होती है, एक्यूस्टिक. हेलो, क्या पढ़ा था हम लोग, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं. स्टडी ऑफ साउंड क्या कहा था, एक्यूस्टिक, एक्यूस्टिक, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा था स्टडी ऑफ लेटर्स. लेटर्स की स्टडी को हमने क्या कहा था, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी. जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना. हाँ, स्टडी ऑफ साउंड को कहा एक्यूस्टिक, स्टडी ऑफ लेटर्स को कहा हमने ऑर्थोग्राफी, और एक और क्या पढ़ा था हमने, स्टडी ऑफ वर्ड्स, दैट्स ग्रेट. स्टडी ऑफ वर्ड्स को हमने क्या कहा था, एटिमोलॉजी, दैट्स ग्रेट. काफी बच्चों को याद है एटिमोलॉजी, राइट. और मैंने एक और बताया था स्टडी ऑफ सेंटेंस. स्टडी ऑफ सेंटेंस को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेंटेंस को कहा जाता है सिंटैक्स. अगर आपको नहीं पता तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऐसा कुछ हमने सीखा हुआ था. वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्ड के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. यस और नो, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे आगे. मैंने कहा था इस क्लास में मैं आपको फ्रेजेस और सेंटेंस सिखाऊंगा. मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और एडवर्ब फ्रेज. अभी मैंने आपको नाउन चैप्टर नहीं पढ़ाया है, एडजेक्टिव चैप्टर नहीं पढ़ाया, और एडवर्ब चैप्टर भी नहीं पढ़ाया है, राइट. इसलिए मैं आपको अभी ये फ्रेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ. जब एक बार नाउन चैप्टर फिनिश हो जाए, एडजेक्टिव हो जाए, और एडवर्ब एक बार कंप्लीटली फिनिश करेंगे इन चैप्टर्स को, उसके बाद इन फ्रेजेस पर बात करेंगे, ठीक है. अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. लिख देता हूँ आपके लिए आज की हेडिंग, यस गाइज, हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर. सेंटेंस क्या होता है, हमने सीखा था सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस विद अ मीनिंग. मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और जो हमें क्या दे, मीनिंग हो. मैं आपसे जानना चाहता हूं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. हाँ बताएं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो पॉज करके कमेंट कर देंगे, तो उससे क्या हुआ, आपको पता रहेगा कि आपको कितना पता था और कितनी इंफॉर्मेशन आपको और बढ़ गई है, है ना. खैर बताता हूँ फ्रेंड्स, सेंटेंस की डेफिनेशन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ मीनिंग. सो ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ मीनिंग क्या सेंटेंस हो सकता है, मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूँ, राइट. मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ. आपस कुछ हंसी आ रही होगी बच्चे को उबाल कर, आप कुछ गड़बड़. एक और सेंटेंस देखते हैं, मेहमान को प्लेट में रखकर आम दो. आपने सर मेहमान को प्लेट में कैसे रखेंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है. मुझे काट कर आम खिलाओ,
सर आपको काट देंगे तो खिलाएंगे किसको? तो देखिए दोस्तों, आपने इस सेंटेंस में आपको लगा होगा कि सर बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालेंगे तो पिलाएंगे किसको? मेहमान को प्लेट में, मेहमान को प्लेट में रखा जा सकता है क्या? नहीं। तो आपने कैसे सेंटेंस है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है, बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड है, विद अ मीनिंग, मीनिंग है, बिल्कुल मीनिंग है, लेकिन नॉनसेंस मीनिंग है ना, सही मीनिंग नहीं। वो क्यों नहीं दे रही है? उसके पीछे एक लॉजिक है। ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ मीनिंग, राइट, विद अ मीनिंग। और इस चीज, अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड और एक सही मीनिंग देने के लिए हमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। अगर आपको सही मीनिंग देना है, सही मायने देना है, राइट, इसका मीनिंग जरूर निकल रहा है, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, लेकिन ये मीनिंग प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरेटिकल तो सही है बट प्रैक्टिकल सही नहीं है। सो बेसिकली क्या है, अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं, दूसरा उसका एक मीनिंग होना चाहिए, राइट, और मीनिंग सही कब निकलेगा? जब उसकी सही अरेंजमेंट होगी। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, क्या बोल देते, दूध उबालकर बच्चे को पिलाओ, तो सेंटेंस सही हो जाता। इसको सेकंड सेंटेंस को क्या कर सकते थे हम लोग, प्लेट में रखकर, क्या बोल सकते हैं इसको अपन लोग, बोल सकते हैं प्लेट में रखकर मेहमान को आम दो, ऐसा करते थे तो सही हो जाता। ये सुनो, ये मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आई एम गोना टीच यू इंग्लिश, बट मैं आपको हिंदी से रिलेट करना चाहता हूँ कि क्या होता है सेंटेंस, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो सेंटेंस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस मीनिंग बाय अरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट सही होगा वर्ड का तो सही मीनिंग देगा, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, आपने सेंटेंस तो सर हमने बचपन से पढ़ के रखा है, तो ठीक है मैं आपसे पूछ लेता हूँ सेंटेंस की, सेंटेंस कैसा होता है? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर सेंटेंस ऐसा होता है, कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यस और नो? आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही। एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा राहुल इज अ डॉक्टर। मैंने क्या कहा, राहुल इज अ डॉक्टर। तो आप लोग बताइए दोस्तों, जो भी बिल्कुल नए सिरे से सीख रहे हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे नहीं है, मेरा क्वेश्चन उन स्टूडेंट से है जो थोड़ा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, जिन्हें थोड़ा थोड़ा आता है। तो राहुल क्या हो गया बताइए? हाँ जी, काफी लोग कहते हैं क्लास में जब मैं पूछता हूं तो बोलते हैं सब्जेक्ट इज क्या हो गई सर, हेल्पिंग वर्ब, ये कुछ लोग बोल देते हैं कई बार इसको वर्ब, ठीक है। और आ डॉक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। राहुल सब्जेक्ट इज वर्ब और डॉक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नहीं है दोस्त, क्या राहुल कोई काम कर रहा है यहां पर? नहीं। क्या राहुल डॉक्टर बनने का काम कर रहा है? और अगर बन रहा है तो क्या एक दो घंटे में कपड़े पड़े पहनकर डॉक्टर बन जाएगा? क्या डस्ट लगा के डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। ये राहुल की क्या कर रहा है, ये स्टेट बता रही है। ये जो वर्ड है इज, ये वर्ब तो है लेकिन किस टाइप की वर्ब है? ये एक लिंकिंग वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, इसे स्टेट वर्ब भी कहा जाता है। और ये जो डॉक्टर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? अब देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या हमारी इंफॉर्मेशन है वो काफी इनकम्प्लीट है। हमें लगता है कि सेंटेंस का फॉर्मूला सिर्फ ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं होता। सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम सारे सेंटेंस सारी चीजों को पढ़ना हम एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैं आपके सामने आज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, फंडामेंटल सी जो थिंग्स हैं हम उन्हें एक बार समझ लेंगे, तो आगे हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी और आपको आसानी से चीजें समझ पाएंगे। दोस्तों नो मैटर आपने कहीं भी पढ़ रखा हो, कितना भी पढ़ रखा हो, बट जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो कभी भी फंसेंगे नहीं, बिल्कुल लॉजिक्स के साथ हम लोग चीजें सीखेंगे। अभी आप लोग क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉमन एरर जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन एरर कैसे निकालते हैं, अच्छा नहीं लग रहा एरर यही है, जच नहीं रहा यही एरर है, जच गया नहीं, कोई एरर नहीं है। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। लॉजिकल सीखेंगे। मैथ्स में अगर आप 30 अटेम्प्ट करते हैं तो आप बोलते हैं मेरे 30 ही मार्क्स आएंगे, 100% आपको कॉन्फिडेंस होता है, 30 मार्क्स आ जाते हैं। बट इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि आप श्योर नहीं है, आपका नॉलेज कम है। अगर नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे आपको और आप चीजें सीख जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग।
हाँ तो दोस्तों, सेंटेंस को सीखने से पहले सेंटेंस की कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। अगर बेसिक्स सीख लेंगे तो हमेशा देखो, आप देखें पूरी इंग्लिश में जब भी आप एग्जाम देते हैं तो क्या देखते हैं, या तो आपको वर्ड दिखाई देते हैं, लेटर दिखाई देते हैं, फ्रेज दिखाई देते हैं, सेंटेंस, मतलब वर्ड और सेंटेंस के बीच में ही सारी की सारी इंग्लिश होती है। तो सेंटेंस कैसे बनता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। और आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश के फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कौन कौन से वो फंडामेंटल हैं, तो लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं बेसिक्स ऑफ कंपेटिटिव इंग्लिश ग्रामर। कंपेटिटिव इंग्लिश ग्रामर जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं, फिलर्स कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों एक एक कर बिल्कुल बेसिक्स है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना दोस्तों, तो आप इस क्लास से सीख सकते हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा आ सकता है तो आप अपने आपको परफेक्ट बना सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेंटेंस की जहां से शुरुआत होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट होती है, राइट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप में से काफी स्टूडेंट्स कहेंगे सर कर्ता होता है, क्या बात करके, हमेशा कर्ता होता है, नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैंने कहा राहुल इज अ डांसर, राहुल इज अ डांसर, तो क्या इसमें राहुल डांस कर रहा है, क्या सॉरी राहुल इज अ डांसर, तो क्या राहुल इसमें डांसर है, नहीं, ये राहुल की स्टेट बता रहा है। क्या ऐसा तो नहीं एक दो घंटे में कपड़े पड़े पहन के आ जाएगा डांसिंग के और डांसर बन जाएगा, नहीं, ये राहुल ही डांसर है, राहुल के बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर राहुल क्या करता है, डूअर है, नहीं, राहुल यहां पर दरअसल में क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट एक अलग चीज होती है, डूअर एक अलग चीज होती है, राइट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है, उसको जरा हम लोग सीखेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, अगर मैंने कहा राहुल डांसेस, क्या कहा, राहुल डांसेस, अब देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है, राहुल यहां पर दरअसल में क्या है, राहुल है हमारा यहां पर डूअर, डूअर मतलब करता, काम को करने वाला, और डांस है हमारी क्या, वर्ब। गेटिंग द पॉइंट, यहां पर क्या, राहुल डूअर नहीं है, राहुल हमारा यहां पर क्या है, केवल सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, वर्ब है, और आर आंसर क्या है, इसके आगे जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट और डूअर एक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पहले वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ राहुल केवल एक सब्जेक्ट है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में देखें तो राहुल डूअर तो है ही, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है, सब्जेक्ट से। तो जरूरी नहीं हमेशा सब्जेक्ट और डूअर एक ही व्यक्ति हो। सेकेंड सेंटेंस में राहुल ही डांस कर रहा है, तो राहुल ही सब्जेक्ट है, राहुल ही डूअर है, क्योंकि काम कर रहा है, काम करने वाले को करता कहते हैं, राइट। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है, काम नहीं कर रहा है, क्या कोई बात समझ पा रहे हैं। इसलिए इंग्लिश को हिंदी से कम रिलेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें लॉजिकली समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी बेसिक्स हम लोग सीखते हैं, तो हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, डूअर, राइट, इसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्ब, है ना, वर्ब के बाद हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट, है ना, वर्ब के बाद हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या सीखने वाले हम लोग, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब भी दो प्रकार की होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, राइट। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में सीखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए थोड़ा डीप में सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा दो चीजों से होगी, सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। ऑब्जेक्ट का आना कोई कंपलसरी बात नहीं है, सब्जेक्ट के बिना वर्ब अधूरी होती है और वर्ब के बिना सब्जेक्ट अधूरा होता है। कहने का मतलब एक सेंटेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दो ही है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, है ना। अच्छा एक बात और सीखते हैं हम लोग, याद रखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल का फंडा नहीं आता तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा क्या, बॉय, कम ऑन गाइस, क्या लिखा, बॉय, तो बॉय क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, लेकिन बॉय की जगह मैं लिख दूं क्या, बॉयज, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, क्या बात समझ पा रहे हैं, यस और नो। अच्छा एक और सेंटेंस, एक और वर्ड लिखा मैंने, गो, सिंगुलर है या प्लूरल है बताइए आप लोग, सिंगुलर है क्या, नहीं है, याद रखिएगा गो एक वर्ब है,
गो क्या है, एक वर्ब है, और जितनी भी वर्ब होती हैं ऑल वर्ब्स आर ऑलवेज प्लूरल, तो ये कैसी है, प्लूरल है, राइट क्या मोन, कैसी वर्ब है ये, प्लूरल है। लेकिन अगर इसमें एस या ईएस लगा दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा गो राइट, और अगर इसी के साथ ही साथ हमने इसमें क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो गो प्लूरल है, कोई भी वर्ब्स, ऑल वर्ब्स आर प्लूरल ऑलवेज राइट, तो गो प्लूरल थी, इसमें एस ई एस लगा दिया तो ये क्या हो गई, सिंगुलर। लेकिन जो नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, कम ऑन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर उसमें एस या ई एस लगा दिया तो क्या हो जाता है, प्लूरल। क्या कोई बात समझ में आ रही, मैंने अभी लिखा एक सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी चीज दो है, सब्जेक्ट और वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट वी फॉर वर्ब, तो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सारे सेंटेंस ऐसे ही चलते हैं, कैसे चलते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, कैसे देख लेते हैं, सिंगुलर इसमें कहाँ है, सब्जेक्ट क्या है, बॉय बन सकता है, देखो बॉय लिख दिया, बॉय के साथ हमें कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर, ये लिखा गोज, क्या बॉय के साथ गो लिखा जा सकता है, नहीं, बॉय तो सिंगुलर है लेकिन गो कैसा है, प्लूरल है, याद रखेंगे अब सर हम कैसे याद रखेंगे, अरे वर्ब में एस लगा और वो सिंगुलर हुई तो गो यहाँ पर कैसी, प्लूरल है, बॉय तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, बॉय तो सिंगुलर है, तो अगर इसको सही करना तो हमें इसमें एस ई एस लगाना पड़ेगा राइट तो ई एस लगा दिया, अब एस ई एस के क्या रूल्स हैं, ये तो बहुत ही बेसिक्स हो गया, अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए राइट, और अगर ये नहीं आता तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं गूगल पर। तो ये है, तो ये क्या है, बॉय क्या है, सिंगुलर है राइट, इसमें गो में हमने एस ई एस लगा दी तो क्या हो गया, बॉय भी सिंगुलर है और गोज भी सिंगुलर, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैंने लिख दिया मान लीजिए बॉयज, क्या लिख दिया दोस्तों, बॉयज, तो बॉयज कैसा है दोस्तों, बॉयज कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ गोज लिखा जा सकता है क्या, नहीं, गोज तो सिंगुलर, कैसे पता चला सिंगुलर है, इसमें देखिएगा ई एस लगा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, ई एस को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, बॉयज गो, लड़के जाते हैं मगर लड़का जाता है, समझ पा रहे हैं, हिंदी में ता है ती है हो जाता है लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में क्या होता है, अगर हम बात करें सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें एस ई एस लग जाएगा राइट, प्लूरल बॉयज प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसे, प्लूरल, आपने कहा इसमें एस ई एस क्यों नहीं है, सारी वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आते हैं जरा पॉइंट पर। तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल सी बात है, सबसे बेसिक बात है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो रूल दो ही लगते हैं इंग्लिश में, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट अगर कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, कम ऑन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल, क्या थोड़ी सी बात समझ पा रहे हैं, यस और नो, आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना, नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, है ना, और मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, तो जो भी डाउट्स हैं जरूर हम वहाँ पे कंप्लीट करें, डरिएगा मत, बने रहिएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिए, नोट्स बनाएंगे दोस्तों, मैं सच बताता हूँ, नोट्स बनाएंगे चीज़ें याद रहेंगी, बिल्कुल जो कम्पिटेटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करें नहीं है आपकी पार लग जाएगी, यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर अबाउट टू लर्न, यू आर डेस्टाइंड टू लर्न, आपके भाग्य में लिख गया है कि अब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग सीखना बहुत आसान है, बहुत सारे टीचर्स हैं, इंग्लिश आप यहाँ से सीख जाएंगे, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश में भी। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। सो दोस्तों सबसे फंडामेंटल सी बात मैंने क्या बताई आपको, देखो दोस्तों मैं एक ही बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बेसिक सी बात, अगर ये समझ में नहीं आया, अगर आपको ये नहीं पता ब्रेक कहां पर क्लच कहां पर, आप कभी गाड़ी नहीं चला सकते, तो सबसे पहले बेसिक सी बात तो सीखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, इतना धैर्य रख लिया, इतने बड़े हो गए, इतने दोस्त कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य और रखेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। तो सेंटेंस के लिए सबसे बेसिक बात क्या, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट, क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या होता है, अभी भी कुछ लोग कहेंगे सर सब्जेक्ट एक कर्ता होता है,
क्या होता है, कर्ता। याद रखिए दोस्तों, कर्ता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चल पाएगा, राइट, क्योंकि कर्ता को इंग्लिश में कहा जाता है डूअर। तो दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सब्जेक्ट क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, राइट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है? एक वर्ड होता है दैट इज टॉक्ड अबाउट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सब्जेक्ट इज अ वर्ड, सब्जेक्ट एक वर्ड होता है दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यस और नो? तो सब्जेक्ट एक शब्द होता है That is talked about, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सब्जेक्ट की पहली बात क्या हो गई है, सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, राइट, और कैसा वर्ड होता है, That is talked about, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए क्या सेंटेंस लिखा, मैंने अभी कहा कि राहुल इज अ डांसर, राइट। तो देखिएगा यहां पर राहुल क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, तो राहुल क्या एक वर्ड है ना, दैट इज टॉक्ड आउट। राहुल के बारे में बात चल रही है कि डांस, राहुल इज द डांसर, सॉरी। तो डांसर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द डांसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर राहुल इज अ डांसर। तो राहुल क्या है, एक वर्ड है, दैट इज टॉक्ड अबाउट। बात किसके बारे में चल रही है? राहुल के बारे में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट या तो होगा आइदर होगा नाउन और होगा प्रनाउन। क्या कहा? सब्जेक्ट कौन हो सकता है? या तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा। देखिए राहुल यहां पर क्या है, नाउन। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता, मान लीजिए मैंने कहा ही इज अ डांसर, तो ही भी यहां पर क्या हो जाता दोस्तों, तब भी ही क्या बन जाता, सब्जेक्ट बन जाता। राहुल भी सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एक शब्द होता है दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात चलती है, चाहे वो काम करे या ना करे, वेदर इट डज द वर्क और डजंट, इट डजंट मेक अ सेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि सब्जेक्ट हर वो शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा, दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात होगी। सेंट्रल आइडिया होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट केवल नाउन और प्रनाउन ही हो सकता है। कितनी बात समझ में आ रही है? हर सेंटेंस की शुरुआत, एवरी सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम अ सेंटेंस, अ सॉरी सब्जेक्ट। हर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, सर कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन ही क्यों होता है, नाउन या प्रनाउन ही क्यों होता है? अब देखो अभी आपका इसका आंसर देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं गो, आप बता सकते, अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं बॉय, आप बता सकते हैं सिंगुलर है प्लूरल है? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख दूं स्टूडेंट, तो आप बता सकते हैं सिंगुलर है प्लूरल है? अगर मैं आपसे पूछूं ही, आप बता सकते हैं सिंगुलर है प्लूरल है? बिल्कुल। अब बताइए बट, बताइए बट क्या है? चलो कोई बात नहीं है, आप बता दीजिए। एंड क्या है? अरे चलिए इसको बता दीजिए। वेल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? आप कहेंगे सर ना तो वेल सिंगुलर प्लूरल है, एंड है ना बट है। कोई बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब इंग्लिश में केवल दो ही चीजें ऐसी होती हैं, केवल दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल होती है, नाउन और प्रनाउन। Are you getting the point? इसलिए सब्जेक्ट नाउन और प्रनाउन। और तीसरी चीज कौन सी होती है? वर्ब। अब वर्ब के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? क्या बात समझ पा रहे हैं? इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है, नाउन और प्रनाउन ही वर्ब क्यों, नाउन और प्रनाउन ही सब्जेक्ट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये ही सिंगुलर और प्लूरल होने की टेंडेंसी रखते हैं। Are you getting the point? Very good. तो सब्जेक्ट की अब नई डेफिनेशन याद रखेंगे, सब्जेक्ट एक वर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन होगा या प्रनाउन। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे एक अगर मैं सेंटेंस लिखूं, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा यू नो अ पुअर इज कमिंग, क्या लिख दिया मैंने, अ पुअर इज कमिंग, और मैं इसको इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1, 2, 3 डी, मतलब नो एरर। तो आप बताइए ए पार्ट में रॉन्ग है, बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट में रॉन्ग है, बी पार्ट में रॉन्ग है, या सी पार्ट में रॉन्ग है? देखिएगा सेंटेंस आपके सामने है, क्या लिखा गया है, अ पुअर इज कमिंग, आपको बताना एरर कहां पर है।
इसमें एरर है फर्स्ट पार्ट में. अपुअर, पुअर क्या होता है दोस्तों? पुअर होता है एक एडजेक्टिव. क्या एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बन सकता है? अब भी बताया गया है एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता है. सब्जेक्ट कौन बन सकता है? आइदर नाउन और प्रनाउन. इसलिए सेंटेंस में एरर कहां हो गई? अपुअर में ही दिक्कत है. तो सही कैसे हो सकता? अपुअर मैन हो सकता है, अपुअर गर्ल हो सकता है, अपुअर स्टूडेंट हो सकता है. समझ पा रहे हैं ये बात गाइस? इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, मैं बहुत जोर देके कह रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको बताया, गाड़ी चलाने के लिए क्लच समझना बहुत जरूरी है, ब्रेक कहां पर समझना जरूरी. तो ऐसे छोटे छोटे एरर आती हैं, आपको लगता है कई बार सेंटेंस बड़ा कर देते हैं, क्लॉज जोड़ देते हैं, फ्रेज जोड़ देते हैं, लेकिन बेसिक फंडा यही है. क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा और एडवांस लेवल पे आते हैं. सो सब्जेक्ट क्या होगा? एक वर्ड होगा जिसके बारे में बात करें, चाहे वो काम करे या ना करे. देखो राहुल इसमें कोई काम कर रहा है क्या? राहुल डांसर बन रहा है क्या? एक दो घंटे में बन जाएगा कपड़े पहन के? नहीं, बिल्कुल नहीं. राहुल के बारे में बात चल रही, इसलिए राहुल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. क्या कोई बात समझ में आ रही है? यस और नो. हर सेंटेंस की शुरुआत एक सब्जेक्ट से होगी, उस सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन होगा या प्रनाउन. आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी. क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? यस और नो. तो गाइस आपको समझ में आ गया, उसे पॉज करिएगा और इसे आप लिख लीजिए. चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग. तो अभी हमने सीखा सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद हम अपने सेकंड चीज की ओर बढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डूअर. क्या बोलने वाले हमें से? डूअर. डूअर के बारे में सिंपल सी वर्ड है, डूअर इज अ वर्ड. राइट, डूअर इज अ वर्ड. और ये वर्ड और क्या होता है? दैट डज द एक्शन. दैट डज द एक्शन. क्या कोई बात समझ में आ रहा है? एक ऐसा शब्द जो एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन, राइट, जो क्या करता है? एक्शन करता है. हम उसे क्या बोलते हैं? डूअर. जैसे कि एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा कि अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था? राहुल इज अ डांसर. तो मैं आपसे पूछूं, राहुल क्या है गाइस? सब्जेक्ट. राहुल क्या है? सब्जेक्ट. मतलब करता है क्या? नहीं, ये केवल यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा. लेकिन अगर एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिख दूं, क्या लिख दूं? कि राहुल प्लेज हॉकी. सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया राहुल प्लेज हॉकी, तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. हर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है. तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट बनने की टेंडेंसी भी है इसमें, तो राहुल अपने आप में क्या है? नाउन भी है, क्योंकि नाउन ही तो सब्जेक्ट बन सकता है. यस और नो? आप कहेंगे सर अभी आप बोल रहे थे राहुल सब्जेक्ट है, अब आप बोल रहे हैं नाउन है. अरे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपका नाम क्या है, मैं कहूँ टीचर, और आप मुझसे पूछा आप करते क्या है, तो मैंने कहा अमित. ऐसा नहीं है, मेरा नाम अमित है और मेरा काम क्या, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम अ टीचर. ध्यान से सुनिएगा. तो राहुल क्या है? एक नाउन है. उसका फंक्शन क्या है यहाँ पर? काम क्या रहा है, क्या कर रहा है? एक सब्जेक्ट क्या कर रहा है. क्या कोई बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो राहुल क्या है? नाउन है. फंक्शन क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का कर रहा है. तो यहां पर राहुल एक नाउन है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है. राइट, अच्छा. लेकिन यहाँ पर प्ले, देखो एक एक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है दोस्तों? एक एक्शन हो रहा है. क्या प्ले यहाँ पर क्या है? वर्ब है. क्या है? वर्ब. वो भी क्या है? एक काम दिखा रहा है. तो जब भी कोई काम होगा तो सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कह देंगे? डूअर. क्या बोल देंगे? डूअर. दैट डज द एक्शन. जो एक्शन कर, देखो राहुल ही तो खेल रहा है हॉकी. मैं आपसे पूछा हु प्लेज हॉकी, तो आपका आंसर क्या आएगा? राहुल प्लेज हॉकी. क्या कोई बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो यहां पर राहुल क्या है? सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है. क्या कोई बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और सेंटेंस लिखता हूं. मैंने कहा, देखो आप शायद ज्यादा समझ में आएगा, मैंने कहा हॉकी इज प्लेड बाय, हॉकी इज प्लेड बाय यू नो राहुल. यहां पर लिखा हुआ है हॉकी इज प्लेड बाय राहुल. तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछे सब्जेक्ट क्या है, सोचना ही नहीं है, जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो वो सब्जेक्ट है. और हॉकी एक नाउन भी है. यस और नो? हॉकी क्या है? एक नाउन है. और इसका फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट बन रहा है. इज यहां पर क्या बन रही है? हेल्पिंग वर्ब. प्लेट क्या बन रही है यहां पर? मेन वर्ब. वाई क्या है यहां पर? प्रपोजिशन.
लेकिन मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे पूछूं, by whom is hockey played? किसके द्वारा हॉकी खेली जाती है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? राहुल, क्या कुछ बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है, हॉकी यहां पर सब्जेक्ट है जबकि राहुल यहां पर क्या है? डूअर। क्या समझ पा रहे? सब्जेक्ट शुरू में और डूअर लास्ट में। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, डूअर बाद में आता है। क्या बात समझ में आ रहा है? यस अनु। तो होता क्या है, देखो दोस्तों, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट और डूअर हमेशा एक ही व्यक्ति हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, डूअर वहां पर है और सब्जेक्ट यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही? जो काम करेगा वो डूअर होगा और जिसके बारे में बातचीत होगी वो क्या होगा? सब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में राहुल ही सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस शुरुआत है और राहुल काम कर रहे, इसलिए राहुल कौन हो गया? डूअर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने दो बातें सीख ली हैं, सब्जेक्ट और दूसरा क्या सीख लिया हमने? डूअर। अब हम तीसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, वर्ब। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने सीखा अभी तक सब्जेक्ट सीखा है और डूअर। आई होप आपने लिख भी लिया होगा सब्जेक्ट के बारे में भी और डूअर के बारे में। एक नोट्स बनाएंगे ना दोस्तों, लिखने से, मैं आपको सच बताऊं, आपकी जितनी ज्यादा आप इंद्रियां यूज करेंगे, सेंस यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपकी मेमोराइजिंग। अगर आप स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, राइट, अगर आप चाहते हैं चीजें आपको याद रहे, आपको मेमोराइज रहे चीजें, तो आपको क्या करना है? नोट्स बनाना। चलिए आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट सीख लिया हमने और हमने डूअर सीख लिया, ठीक है? तो सब्जेक्ट कई बार सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट और वर्ब से होती है, तो कई बार सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है और कई बार सब्जेक्ट सब्जेक्ट होने के साथ साथ डूअर भी होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अपनी तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं, वर्ब। क्या 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 पढ़ते हैं हम लोग? वर्ब। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप अपनी कॉपी में, थर्ड हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वर्ब। दोस्तों ये वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, राइट? सो वर्ब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन। अगर हम किसी कार्य की बात करें, एक्शन की बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। यस नो? अभी मैंने क्या कहा? हो सकता आपको याद रहे, हो सकता आपको याद ना रहे। मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, ठीक है? वर्ब क्या होता है? हर वो चीज जो आपको टेंस के बारे में बताते हैं वो क्या है? वर्ब है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? टॉम प्लेज हॉकी। क्या कहा? टॉम प्लेज हॉकी। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का है या फ्यूचर का? देखिएगा जरा, आपने यहां पर फर्स्ट फॉर्म देखी और उसमें भी ऐसे ही देखा, आपने कहा सर ये प्रेजेंट का है। यह सुनो, अगर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं आप लोगों के सामने, मैंने कहा Tom was a player. तो मैं आपसे कहूं ये प्रेजेंट का या पास का? आपने फट से वॉज देखा और आपने क्या कह दिया? ये पास का है। यस नो? आपने वॉज देखते बराबर और आपने क्या कहा? ये पास्ट। और प्लीज देखते बराबर आपने क्या कहा? सर ये प्रेजेंट। यस नो? तो कहने का मतलब हर वो चीज जो आपको क्या बता दे? एक्शन बता दे, सॉरी टेंस के बारे में बता दे, राइट? तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है? डिनोट्स टेंस। तो वर्ब क्या करती है? टेंस को डिनोट करती है। आई होप समझ में आ रहा होगा, सॉरी। तो वर्ब क्या करती है? टेंस को डिनोट करती है ना? तो वर्ब देखो, इसमें आपने प्लेस को देखा तो आपने कहा प्रेजेंट है, और यहां पर वॉज को देखा तो आपने कहा पास्ट है, ठीक है? तो यहां पर क्या है, अगर इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो हमने सीख लिया, उतना ही करते हैं। तो टॉम हमारा क्या है यहां पर? सब्जेक्ट है। वॉज यहां पर हमारी क्या है? वर्ब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वर्ब नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिएगा, जो मैं टेंस बताती वो क्या होती है? वर्ब होती है। और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर मेन वर्ब है। आप कहेंगे सर ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। अच्छा एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कह दिया मान लीजिए टॉम वॉज प्लेइंग, टॉम वॉज प्लेइंग हॉकी। अब देखिए यहां पर दो एक्शन हो, एक हो गई वॉज और एक हो गई प्लेइंग। वर्ब हर वो चीज होती है जिसमें आईएनजी लगाओ। क्या कोई बात समझ में आ रही है? यस और नो? अभी मैं आपको डेफिनेशन भी दूंगा वर्ब की, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? वॉज और प्लेइंग। तो देखो यहां पर वॉज है हमारी हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग होगी हमारी मेन वर्ब। याद रखेंगे जब दो वर्ब होंगी तो एक हो जाती, पहली वाली होती हमेशा हेल्पिंग और दूसरी वाली होती मेन। लेकिन जब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन वर्ब हो जाती है। देखो मूवीज में दो एक्टर होते हैं, एक को एक्टर होता है, एक मेन एक्टर होता है, हीरो बोलते हैं जिसको, राइट? तो अगर
मैन एक्टर नहीं है तो जो को एक्टर वही एक्टर है, यस और नो? तो बेसिकली अगर प्रिंसिपल ना हो क्लास में, सॉरी आपके स्कूल में, तो वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल है, यस और नो? तो अब देखते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको थोड़ी ट्रिक देता हूं, आई होप आपको ये समझ में आएगा, आप इसे लिख लीजिएगा पॉज करके। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वर्ब के बारे में दो तीन बातें बताता हूं। पहला, वर्ब हमें क्या बताती है, टेंस के बारे में बताती है। क्या बताती है? वर्ब हमें बताती है टेंस के बारे में। वर्ब वो चीज होती है जिसमें हम क्या अप्लाई, क्या सफिक्स कर सकते हैं, एस, ई एस, आई ई एस, ये चीज हम सफिक्स कर पाए, राइट? ये क्या है दरअसल में, ये है सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो किसी वर्ड के लास्ट में लगा दिए जाते हैं, है ना। तीसरा, वर्ब हमें क्या बता सकती है, टेंस बता सकती है। वर्ब में क्या है, एस ई एस वगैरह हो सकती है, और वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल होने की टेंडेंसी होती है। वर्ब कैसे हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। क्या कोई बात समझ में आ रही है? वर्ब हमें टेंस बताती है, राइट? इस पर मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि तो ये मेन चीज है, वर्ब कुछ करे या ना करे टेंस जरूर बताइए। हो सकता है वर्ब में एस ई एस ना हो, हो सकता है वर्ब में आईएनजी ना हो, है ना। सफिक्स इसमें क्या हो सकता है, आईएनजी भी इसमें सफिक्स हो सकता है, हो सकता है आईएनजी भी ना हो, लेकिन हो सकता है वर्ब सिंगुलर प्लूरल भी ना बता पाए। जैसे मैंने कहा शी वेंट टू हर, शी वेंट टू हर इन-लॉज होम। क्या लिखा, She went to her in-laws home. वह अपने ससुराल गई, right? तो क्या आप इस बैंड को देखकर बता सकते हैं सिंगुलर या प्लूरल? ये तो सेकंड फॉर्म की तो कोई सिंगुलर प्लूरल होती नहीं है, तो इसलिए को सिंगुलर प्लूरल नहीं बता पाए। क्या इसमें आईएनजी एसईएस है? नहीं है, लेकिन क्या ये टेंस बता रही है? हाँ, ये बता रही है। जैसे आपने सेकंड फॉर्म देखी वी टू, तो आपने कहा कि सर ये क्या है, पास्ट। तो हर उस चीज को हम वर्ब बोल सकते हैं जो हमें क्या बताए, टेंस बताए। चलिए थोड़ा और डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो दोस्तों वर्ब के बारे में हमने सीखा, वर्ब हमें क्या बताती है, बेसिकली वर्ब को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, आप डरिएगा मत, है ना। वर्ब जब चैप्टर आएगा बहुत डिटेल में सीखेंगे, बहुत डीप में सीखेंगे, अभी थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। वर्ब जो होती है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब बेसिकली होती है दोस्तों, वर्ब हमें टेंस बताती है ना। अब देखो, अब वर्ब के ना दो टाइप होते हैं, वर्ब ना दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा। वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, है ना। कौन से दो प्रकार की होती है, जरा समझ लेते हैं गाइस। वर्ब होती है दो प्रकार की, एक होती है वर्ब जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्शन वर्ब। ये हमें दिखाती एक्शन, क्या दिखाती है, एक्शन। सपोज मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा यू नो टॉम, यू नो टॉम टीचर्स स्टूडेंट्स। क्या लिखा, टॉम टीचर्स स्टूडेंट्स। तो यहां पर टॉम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन भी है और सेंटेंस की शुरुआत में भी आ रहा है। टीचर्स क्या है हमारी, एस ई एस लगा, टीचर्स हमारी क्या है दोस्तों, वर्ब है, है ना। और स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अभी लागू मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट है ये, क्या है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। अभी क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको वो चीज पढ़ाई नहीं है। अब देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, टॉम एक एक्शन कर रहा है। कौन सी एक्शन कर रहा है, टीच करने की, पढ़ाने की एक्शन कर रहा है। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो टॉम यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और टीच उसकी क्या है, वर्ब है। कम ऑन एवरीवन, क्या है, वर्ब है। और स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिलहाल मान सकते हैं आप लोग। दूसरी एक वर्ब होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये कौन सी हो गई, एक्शन वर्ब, है ना। दूसरी जो होती है वो होती है नॉन एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन एक्शन वर्ब। इसे कुछ टीचर्स लिंकिंग वर्ब, कुछ बुक्स में मिलेगा आपको, लिंकिंग वर्ब के रूप में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। स्टेट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसके बहुत सारे नाम। तो पहला आपने क्या सीखा, पहली वर्ब कौन सी होती है, एक्शन वर्ब होती है। दूसरी कौन सी होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा, सॉरी दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए, टॉम इज अ टीचर। ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें टॉम कोई काम कर रहा है,
क्या टॉम टीचर बन रहा है? वो बन रहा तो कितनी देर में बन जाएगा? नहीं, टॉम यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, टॉम के बारे में बात हो रही है। टॉम इज टॉक्ड अबाउट, टॉम के बारे में भी बात चल रही है। टॉम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, टॉम के बारे में भी बात चले। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो टॉम यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का नाउन भी है। अब कौन सा नाउन है? वैसे तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन अभी मैंने नाउन नहीं पढ़ा इसलिए इसके काइंड्स नहीं बता रहा हूं। इस यहां पर क्या हो गई? वर्ब। आपने क्या, कैसे वर्ब है? देखो टेंस बता रही है, प्रेजेंट बता रही है ना। अब आर टीचर क्या है इसको मैं 2 मिनट से बताने वाला हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देखो एक्शन वर्ब होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है एक्शन वर्ब और एक होती है क्या, नॉन एक्शन वर्ब। क्या होती है? एक होती है वर्ब। वर्ब होती है 2 प्रकार की, एक होती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब देखो टीच, पढ़ाने का काम हो रहा है, बॉडी के पार्ट यूज होंगे। और दूसरा क्या, नॉन एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब? नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब में क्या हो रहा है? टॉम इज अ टीचर। इसमें टॉम कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि हम उसकी क्या बता रहे हैं? स्टेट बता रहे हैं। इसलिए इसी वर्ब को कहा जाता है स्टेट वर्ब। टॉम की स्टेट क्या है? कि टॉम क्या है? एक टीचर है। टीचर, अगर मैं आपसे पूछूं टीचर कौन है? टॉम। टॉम कौन है? टीचर। टीचर ही टॉम है और टॉम ही, बिल्कुल सही, टीचर है। क्या कोई बात समझ में आ रही? अब देखो बात समझना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, अगर एक्शन वर्ब के बाद हम कोई नाउन या प्रनाउन लिखते हैं, एक्शन वर्ब के बाद क्या लिख दिया जाए, नाउन या प्रनाउन, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। देखो यहां पे एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? एक्शन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी वर्ब? एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के बाद जो लिखा जाता है इसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक्शन वर्ब के बाद जो नाउन प्रनाउन लिखा, देखो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। तो एक्शन वर्ब के बाद जो नाउन या प्रनाउन आते हैं इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। बट जब हम नॉन एक्शन वर्ब, ये इज कैसी वर्ब है? क्या कोई काम दिखा रही? क्या टीचर बन रहा? नहीं बन रहा। ये वर्ब कैसी है? नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो चीज आती, देखो एक्शन वर्ब के बाद आई तो हमने उसे क्या कहा? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब नॉन एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन को लिखा जाता है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। इसे क्या कहा जाएगा? अगर नॉन एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन लिखा जाएगा इसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और अपन डिटेल एडवांस्ड में चलते हैं। अभी हमने देखा वर्ब होती है 2 टाइप की, एक होती है एक्शन वर्ब और दूसरी क्या होती है? नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, अगर हम बात करें एक्शन वर्ब के बाद नाउन या प्रनाउन आता है, हमेशा याद रखना एक्शन वर्ब के बाद हमेशा नाउन या प्रनाउन ही आएगा, अगर आएगा तो। यस सुनो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने बाद हमेशा नाउन या प्रनाउन लेगा एज एन ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें एक नॉन एक्शन वर्ब होगी तो उसके बाद क्या होगा? नाउन या प्रनाउन। याद रखेंगे एक बात, नॉन एक्शन वर्ब के बाद जरूरी कि नाउन या प्रनाउन ही आए, एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या सकता है? एडजेक्टिव भी। थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, थोड़ा इसको रफ कर दूं। आई होप आपने लिख लिया होगा, प्लीज टेक योर टाइम, पॉज करें और लिख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। तो दोस्तों अभी हमने थर्ड हमने पढ़ा क्या, थर्ड हमने क्या पढ़ लिया? वर्ब पढ़ लिया। मैंने आपको बताया नॉन एक्शन वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रनाउन आ सकता है, और अभी मैंने आपको बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एडजेक्टिव, है ना। अब एडजेक्टिव कैसे आ सकता है अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, 4th नंबर पर कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था हर सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ये 2 चीजें कंपलसरी हैं, राइट, है ना। अच्छा वर्ब भी मैंने आपको बताया, वर्ब जैसे कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है, या तो आएगी एक्शन वर्ब या क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, या आएगी लिंकिंग वर्ब, ऐसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट वर्ब। ऐसी को हमने क्या कहा? नॉन एक्शन वर्ब। देखो सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से, राइट। अब वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, या तो सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब आएगी या सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब आएगी, स्टेट वर्ब, या इसे बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। अगर एक्शन वर्ब आएगी तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रनाउन आएगा।
तो जो नाउन या प्रनाउन आएगा इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट. क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट. लेकिन जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, स्टेट वर्ब होती है, इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद क्या क्या आ सकता है? नंबर वन नाउन, नंबर टू प्रनाउन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नंबर थ्री आ सकता है एडजेक्टिव. क्या आ सकता है दोस्तों? एडजेक्टिव. तीन चीजें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा. क्या कहा? नाउन आ सकता है, प्रनाउन आ सकता है और एडजेक्टिव आ सकता है. किसके बाद? लिंकिंग वर्ब के बाद या स्टेट वर्ब के बाद. इसी को बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब के बाद. तो देखो, एक्शन वर्ब हम पढ़ चुके हैं वर्ब के अंतर्गत. अब हम सीखते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो ध्यान रखिएगा, जब नॉन एक्शन वर्ब के बाद नाउन आए, प्रनाउन आए या एडजेक्टिव, इन तीनों को ही इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट. क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट. स्टेट वर्ब के बाद, मतलब नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो नाउन आता है, प्रनाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट. मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं कॉम्प्लीमेंट के, आप समझ पाएंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने कहा, एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने कहा, एक मान के चलिए, मैंने कहा ही इज राहुल. क्या कहा? ही इज राहुल. ध्यान दीजिएगा, ही यहां पर क्या है? सब्जेक्ट. इज यहां पर क्या है? स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, नॉन एक्शन वर्ब, यस और नो. तो राहुल जब नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो भी नाउन, ये क्या है? नाउन है, यस और नो. लेकिन नाउन है, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का. कम ऑन गाइस, इसका काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का, फंक्शन कर रहा है. ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव आता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यस और नो. चलो एक काम करता हूं, इसकी डेफिनेशन भी दे देता हूं. कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट इज रिटन right after a non action verb. क्या कहा? Compliment is a word that is written right after a non action verb. दोस्तों sound आ रहा है बाहर, आवाज पर ध्यान नहीं देना है. So कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है दैट इज रिटन, जो लिखा जाता है राइट आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ड. आप लोग सोचते होंगे सर हिंदी में क्यों नहीं लिखवाते हैं? दोस्तों हिंदी में आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, और अगर इंग्लिश में नोट्स बनाए, इंग्लिश में समझे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? ऑल राइट. सो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट इज रिटन राइट आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब. कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? जो एक नॉन एक्शन वर्ब के बाद लिखा जाए. देखो इज कोई एक्शन है, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. तो नॉन एक्शन वर्ब के बाद नाउन आया तो हमने क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट. एक और सेंटेंस देखते हैं. मैंने एक और दूसरा सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए. क्या कहा? यू नो राहुल इज हैंडसम. राहुल इज हैंडसम. ध्यान दीजिएगा, राहुल से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, नाउन भी है, इसलिए वो सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है ना. इज क्या हो गई? कोई काम तो कर नहीं, हैंडसम बनने का काम तो कर नहीं रहा. ऐसा तो है नहीं कि एक दो घंटे में पार्लर वगैरह जाएगा और हैंडसम बन के आ जाएगा. नहीं, वो ऑलरेडी हैंडसम है ना. तो ये कौन सी वर्ब हो गई? नॉन एक्शन वर्ब हो गई, या इसे स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं, है ना. और हैंडसम क्या हो गया? एक एडजेक्टिव है. कम ऑन गाइस, क्या है? एडजेक्टिव. लेकिन अभी देखिएगा, नॉन एक्शन वर्ब के बाद या नाउन आए, प्रनाउन आए, या क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. कम ऑन गाइस, क्या बोलेंगे गाइस? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. क्या कोई बात थोड़ी सी आपको समझ में आ रही है? यस और नो? हेलो, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ पा रही होगी. तो कहने का मतलब, नॉन एक्शन वर्ब के बाद आप नाउन लिख लें, प्रनाउन लिख लें, एडजेक्टिव लिख लें, कुछ भी लिख लें, तीनों में से मगर एक ही होना चाहिए, चौथी कोई चीज नहीं चलेगी. या तो नाउन लिखें, प्रनाउन लिखें, या एडजेक्टिव लिखें, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? कॉम्प्लीमेंट दरअसल में होता क्या है? जो कॉम्प्लीमेंट होता है दरअसल वो वही होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा राहुल इज हैंडसम. अगर मैं आपसे पूछूं हु इज हैंडसम, तो आपका आंसर आएगा राहुल. कहने का मतलब, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसी कॉम्प्लीमेंट को इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट. क्योंकि ये सब्जेक्ट राहुल को तो डिनोट कर रहा है, यस और नो.
ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि राहुल ही हैंडसम है और हैंडसम ही राहुल है। अगर यहां पे देखें ही राहुल है और राहुल ही है। राहुल इज ही इज राहुल। यस नो? जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे ऐसे कॉम्प्लीमेंट को कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और, सबसे पहले आप इस चीज को लिख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। आई होप आपको ये बात समझ पा रहे होंगे। अरे आप इतना समझिएगा, नॉन एक्शन वर्ब के बाद, नॉन एक्शन वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद जब भी कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आएगा तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। यस नो? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही तो ये बताता है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, प्लीज टेक योर टाइम। सो दोस्तों, अभी हमने समझा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो हैज इट्स ओन पार्ट, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, राइट? सो यू कैन से देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के दो काइंड्स होते हैं। कौन से दो होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होता है दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है दोस्तों? एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप समझ पा रहे हूं। जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो समझो, मैं आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आप लोगों के लिए। क्या कहा मैंने? कहा राहुल इज अ टीचर। मैंने कहा राहुल इज अ टीचर। कम ऑन एवरीवन, क्या है? राहुल इज अ टीचर। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर कि यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल इज अ टीचर। देखो दोस्तों, कोरोना चल रहा है, आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, है ना? गवर्नमेंट भी काफी प्रयास करे, आप भी प्रयास करें। मैंने तो अपने आप को कोचिंग में ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, राइट? और आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ, राइट? चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? राहुल इज अ टीचर। राहुल इज अ टीचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टीचर कौन है, देखो राहुल यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर कौन सी वर्ब है? स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है ना, क्योंकि राहुल की स्टेट क्या है? टीचर। क्या राहुल कोई काम कर रहा है, टीचर बन रहा है क्या, कि एक दो घंटे पढ़ लिख कर टीचर बन जाएगा? ना, राहुल तो ऑलरेडी टीचर है। तो ये क्या बता रहा है? स्टेट। और टीचर क्या है? एक नाउन है। हमने सीखा था जब स्टेट वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। यही सीखा था हमने। दरअसल में ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसे कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसे क्या कहा जाता है? अच्छा एक और सेंटेंस बता देता हूं। मैंने, मान लीजिए अभी तो ये नाउन था, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा राहुल इज, मैंने कहा राहुल इज इंटेलिजेंट। क्या कहा? राहुल इज इंटेलिजेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटेलिजेंट कौन है, तो आप कहेंगे सर राहुल। तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट, मतलब इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है वही राहुल है, और जो इंटेलिजेंट है वही राहुल, और जो राहुल है वही इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हो गया? ये स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब के बाद हमेशा आता है कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। कम ऑन, क्या कहा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। आप लोग चाहते हो लिख लें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात करेगा? सब्जेक्ट के बारे में। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? समझ पा रहे हैं? ऑल राइट। अभी हमने सीखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब हम सीखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या सीखते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए यहां पर, आई होप आप यहां पर देख पा रहे होंगे। मैंने कहा राहुल, क्या लिखा? राहुल कॉल्ड, मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए। क्या कहा? राहुल कॉल्ड जूली। मैंने कहा राहुल कॉल्ड जूली फूल। क्या कहा?
राहुल कॉल्ड जूली फूल. राहुल यहाँ पर कौन है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है राहुल से, और एक नाउन भी, मतलब ये कौन बन सकता है, सब्जेक्ट. अच्छा ये क्या हो गई, वर्ब. कैसी वर्ब, एक्शन कर रही है, कॉल करेंगे या बुलाएंगे तो काम करना पड़ेगा ना, तो ये कैसी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब, राइट. एक्शन वर्ब के बाद जो आता है नाउन या प्रनाउन से हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं, क्या जानना चाहूं कि भाई फूल किसे कहा गया, राहुल को फूल कहा गया, जूली को फूल कहा गया, कोई भी बता सकता है, जूली को फूल कहा जा रहा है. राहुल ने कॉल किया, किसको कॉल किया, जूली को. राहुल ने जूली को बुलाया, राहुल कॉल्ड जूली, क्या बुलाया, फूल. तो फूल किसे कहा जा रहा है, दरअसल में जूली को कहा जा रहा, मतलब जूली कौन है, ऑब्जेक्ट. तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट. कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि फूल ही कौन है, जूली है, और जूली ही कौन है, फूल है. किसके अकॉर्डिंग, राहुल के अकॉर्डिंग. क्या कोई बात समझ में आ रहा है, यस और नो. एक और सेंटेंस देता हूं आपकी, आपको समझ पाएंगे, शायद अच्छे से समझ पाएंगे, आप जरूर समझ पाएंगे. मैंने कहा ही कॉल्ड राहुल माइजर. माइजर का मतलब होता है निगर्ट. निगर्ट का मतलब होता है कंजूस. तो ही कॉल्ड राहुल माइजर. क्या कहा, ही कॉल्ड राहुल माइजर. ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ही कौन है दोस्त, सब्जेक्ट कॉल्ड होना चाहिए. यहां पर कॉल्ड क्या हो गई हमारी वर्ब, और राहुल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉल एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद जो भी नाउन, राहुल क्या है, नाउन है. एक्शन वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये माइजर किसे कहा गया भाई, ही अपने आप को, ही एक काम कर देगा, आपकी सुविधा के लिए नाम लिख देता हूं मैं. मान लीजिए मैंने एक नाम लिख दिया, हीरेश. क्या नाम लिख दिया, हीरेश. हीरेश कॉल्ड राहुल माइजर. हीरेश अपने आप को तो माइजर बोलेगा नहीं, हर व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनना पसंद करता है, बड़ाई करता है. तो हीरेश ने राहुल को क्या कहा, माइजर. और राहुल कौन है, ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया वो कौन, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. क्या कोई बात समझ में आ रहा है, देख अगर मैं पूछो हु इज माइजर, राहुल. राहुल इज हु, राहुल इज माइजर. राहुल माइजर है, माइजर राहुल है. तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया वो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. जो सब्जेक्ट के बारे में बताया वो सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. आई होप आपको इतना बात समझ में आ रही होगी, यस और नो. अगर एक ऑब्जर्व करने वाली बात देखें, यहां पे लिखा क्या, फूल. यहां पे क्या लिखा, माइजर. माइजर एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है. और अगर मैं बात करूं फूल, फूल नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है. क्या कोई बात समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तीन चीजें हो सकती हैं. कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कैन बी आ नाउन, कॉम्प्लीमेंट कैन बी आ प्रनाउन, और कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव. आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, राइट. तो कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है. क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो. आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी, है ना. तो ऐसे होता है कॉम्प्लीमेंट. तो अभी तक हमने चार टर्मिनोलॉजी सीख ली, सब्जेक्ट, ड्यूअर, वर्ब दो प्रकार की, हेल्पिंग सॉरी एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, और फिर देखा कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप का, कौन कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो दोस्तों लेट्स लर्न ऑब्जेक्ट. बट उससे पहले नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना. नोट्स के लिए मैं बहुत फोर्स कर रहा हूँ दोस्तों आपको, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम चीजों को लिखते हैं, समझते हैं चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर, आप उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे. आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आप इसको प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं. वीडियोस को कितनी बार रिवाइज करेंगे, है ना. और एक दोस्तों ये चीजें आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो इस समय देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल न्यू होंगी, फ्रेश होंगी, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी. तो इस वीडियो को कम से कम आप दो बार देखें, मिनिमम आपको सलाह दूंगा दो बार इस वीडियो को देखें, और फिर भी नहीं आ रहा तो तीन बार देखें और कमेंट कर दें मुझे. तो दो बार तो कंपलसरी है, आप लोगों को देखनी है, है ना. चलिए ठीक है, आप सबसे पहले इस बात को लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. तो दोस्तों अभी तक हमने जो सीखा उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हम अपनी लास्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं आज की. और हमारी आज की लास्ट टर्म है ऑब्जेक्ट. क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट, राइट.
तो सो जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो टाइप का होता था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब भी दो टाइप की होती थी, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, है ना। ऐसे क्या होता था, तो ऑब्जेक्ट होता ना ये तीन टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है जरा समझते हैं। एक होता दोस्त डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्टली रिसीव नहीं करता एक्शन को, इनडायरेक्टली रिसीव करता है। और तीसरा होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो शायद सुना होगा, बट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट शायद आपने नहीं सुना होगा, है ना। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सुना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इनको बहुत डिटेल में समझते हैं। दोस्तों मेरी जो क्लासेस हो रही हैं ये कैट लेवल की हो रही हैं, स्पेशली बैंकिंग और एसएससी को ध्यान में रखकर, और इससे नीचे के जितने एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे क्वालिफाई होंगे, राइट। सो इंग्लिश को अपन बहुत अच्छे लेवल पर सीख रहे हैं, बस मेरे साथ बने रहिएगा। इंग्लिश एक बार सीख जाएंगे ना, मैथ्स रीजनिंग सीखना बहुत आसान है। आप लोग एक बार आप मैथ्स की क्लासेस लेते हैं, मैथ्स सीख जाते हैं, रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं, रीजनिंग सीख जाते हैं, बट इंग्लिश की क्लासेस ना जाने कितनी बार ले चुके हैं, अभी तक नहीं सीख पाए। रीजन बड़ा सिंपल है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, है ना। फंडामेंटल क्लियर नहीं है और हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर देते, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले सीढ़ियों पर चढ़ा जाता है, उसके बाद तक हम उसके रूफ तक पहुंच पाते हैं, टॉप तक, है ना। तो सीढ़ी 1 2 3 4 देन ऑन द रूफ आते हैं। सो भाई हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब, मैंने आपको बताया ये दो चीजें तो कंपलसरी होती हैं, ठीक है। अगर वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन एक्शन वर्ब और एक होती है एक्शन वर्ब। मैं अभी बात करूंगा एक्शन वर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सेंटेंस सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि अब हमारी जो वर्ब रहेगी वो हमेशा कौन सी रहेगी, अब हमारी वर्ब रहेगी एक्शन वर्ब लेंगे, ठीक है। देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई बॉट अ पेन। क्या लिखा दोस्तों, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। अगर मैं पूछूं आई बॉट व्हाट, तो आपका आंसर क्या आएगा, पेन। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई एक प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, बॉट, तो ये होगी वर्ब। और अपन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बॉट है, बाय है, ये कैसी वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब। और हमने सीख ही लिया है कि एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो बॉट हमारा क्या हो गया, सॉरी पेन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस दे दूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देना चाहूंगा, राइट, मैंने आपको कहा ही पेंटेड द वॉल। अब आप सोचिए सर ये द क्यों आ गया, सर मैं आपको आर्टिकल में सीख, एक बार नाउन कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, फिर हम आर्टिकल सीख लेंगे, है ना, बहुत डिटेल में सीखेंगे। अब यहां पे लिखा ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि शुरुआत में आ रहा है और प्रोनाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट बन सकता है, और सेंटेंस शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से ही होती है। पेंट क्या है, एक एक्शन वर्ब है, और इसके बाद जो द वॉल है, क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब भी एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, वो होगा हमारा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट होगा उसे हमने क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंडा कहां से आता है उसे जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, मैंने कहा, क्या कहा, टॉम रोट जूली आ लेटर। क्या लिखा है, टॉम रोट जूलिया लेटर। ध्यान दीजिएगा, टॉम हमारा हो गया सब्जेक्ट, रोट राइट की सेकेंड फॉर्म, ये हो गई हमारी वर्ब, और कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, है ना। तो जूली ये भी एक नाउन है, और आ लेटर ये भी क्या है, नाउन। ध्यान दीजिएगा, टॉम रोट जूलिया, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, मतलब एक्शन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू, यस और नो। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया था वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ तो दो दो आ गए, यस और नो। ये तो कमाल हो गया कि खुदा तेरी खुदाई पर पत्थर बरसे, इसके पास दो दो और हम एक को तरसे। अरे आशिकी नहीं करना, चलो सीखते हैं।
देखो क्या हो रहा है, टॉम एक सब्जेक्ट हो गया, रोट क्या हो गई, वर्ब हो गई, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू हो जाते तो एक हो जाता ऑब्जेक्ट वन, एक हो जाता ऑब्जेक्ट टू। दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिसके बगैर काम ना चले उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसके बगैर काम ना चले उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा टॉम रोट अ लेटर, बात क्लियर हो रही, टॉम ने एक पत्र लिखा। मैंने लिखा टॉम रोट जूली, टॉम ने जूली लिखा, बात नहीं बन रही। यह सुनो, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक सेंटेंस मैंने लिखा, यू नो राहुल गेव, राहुल गेव जूली, जूली लिख लेता हूं एक नाम, राहुल गेव जूली आ बुक। क्या लिखा है, राहुल गेव जूली आ बुक। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, राहुल गेव जूली आ बुक। तो राहुल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई हमारी वर्ब, जूली क्या हो गया नाउन, और आ बुक भी क्या हो गया नाउन, दो दो नाउन आ गए। तो मतलब एक होगा ऑब्जेक्ट वन, एक होगा ऑब्जेक्ट टू। अब हमें यह देखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, राहुल गेव अ बुक, राहुल ने एक बुक दी, थोड़ा कंप्लीट सा लग रहा है ना। अच्छा, राहुल गेव जूली, राहुल ने जूली दी, राहुल जूली दे सकता है क्या, हेलो नॉनसेंस लग रहा है। कहने का मतलब यहां पर जो आ बुक है ये इसके बगैर सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे देखते हैं, टॉम रोट जूली, टॉम ने जूली लिखी, ये तो बड़ी अजीब सी बात दिख रही है। टॉम रोट अ लेटर, टॉम ने एक पत्र लिखा, हाँ ये सही लग रहा है। तो ये अ लेटर हो गया, ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? जिसके बगैर काम ना चले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बच जाए वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जूली यहां पर क्या हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा पैसिव वॉइस में, यस और नो? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक देने वाला हूं। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। सो दोस्तों और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, लिख देता हूं एक डेफिनेशन दे देता हूं आपको, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट कम्स राइट आफ्टर an action verb, action verb के तुरंत बाद जो आता है हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं, मैंने कहा लैला लव्स मजनू, क्या लिखा लैला लव्स मजनू, और दूसरा मैंने लिखा राहुल रोच एन ऐसे। क्या लिखा पहला सेंटेंस, क्या लिखा लैला लव्स मजनू, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है राहुल रोट एन ऐसे। ठीक है, देखो भाई क्या है, जो राइट आफ्टर आए किसके बाद एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के तुरंत बाद आए उसे हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर एक एक्शन वर्ब है लव, लव एक एक्शन वर्ब है, और यहां पर लिखा है रोट, लिखना भी एक एक्शन वर्ब, राइट? तो
ल कौन हो गई सब्जेक्ट, लव कौन हो गया वर्ब। अब एक्शन वर्ब है इसलिए इसके बाद ये लिखा ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। राहुल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, रोड क्या हो गई अपनी वर्ब हो गई, और एन ऐसे हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब कैसी है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद जो भी आया वो क्या है ऑब्जेक्ट। लव क्या है एक एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब के बाद जो आया उसे अपन क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यस सुनो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, कम ऑन, क्या देता हूं आपको एक ट्रिक देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे वर्ब के बाद, सेंटेंस दरअसल बनता कैसे है, सेंटेंस आपको पता है सेंटेंस ऐसे बनता है, कैसे बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब कौन सी वाली एक्शन वाली, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इस वर्ब के बाद हम दो क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब के बाद क्या करेंगे दो क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से दो क्वेश्चन पूछेंगे, या तो हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या हम क्वेश्चन पूछेंगे होम। व्हाट को हिंदी में बोलते हैं जनरली क्या, क्या बोल देते हैं क्या, और होम को बोल देते हैं किसको, जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता बट जनरली ऐसे ही होता है। तो हम दो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यहां मैंने पूछा मैंने कहा राहुल रोट व्हाट, राहुल रोट व्हाट, राहुल ने क्या लिखा, तो आंसर क्या आया एन एसे, एक ऐसे लिखा, राइट। तो अगर हमारा आंसर किसका आंसर हो व्हाट का आंसर हो, किसके बाद वर्ब के बाद, तो हम उसे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। या फिर लैला लव्स व्हाट, लैला क्या प्यार करती है, लैला क्या नहीं प्यार करती, लैला किसको प्यार करती है, लैला लव्स होम, जो हमें होम का आंसर दे व्हाट का आंसर दे वो हमारा क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वर्ब के बाद व्हाट पूछ लो या होम पूछ लो, जो व्हाट और होम का आंसर होगा वो कौन होगा ऑब्जेक्ट होगा। क्या कोई बात समझ में आ रहा है, व्हाट और होम का आंसर वर्ब के बाद क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कोई बात समझ में आ रही है, लैला लव्स होम मजनू, लैला रोट सॉरी राहुल रोट व्हाट एन ऐसे, जो व्हाट या होम का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लास्ट देखते हैं, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने कहा रमेश पेंटेड द वॉल, एक सेंटेंस लिखा रमेश पेंटेड द वॉल, रमेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, पेंटेड हमारी एक्शन वर्ब, और द वॉल क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। रमेश पेंटेड हुम, रमेश ने किसको पोता, ये तो कोई बात नहीं बनी, रमेश ने क्या पोता, रमेश पेंटेड द वॉल, रमेश ने एक दीवार पोती, तो ये किसका आंसर हो रहा है व्हाट। कहने का मतलब आंसर चाहे व्हाट का मिले या होम का मिले क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रही है, सो ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट कम्स राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब, जो एक्शन वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे एक ही ऑब्जेक्ट चाहे वो व्हाट का आंसर हो या होम, वो हमेशा कौन सा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो सोचना ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम कब आती है, जब दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है कि कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रही है, ट्रिक क्या है, जो जिसके बगैर काम ना चले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जिसके बगैर काम चल जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस और नो देखते हैं, उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप लोग चाहेंगे मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस को लिख लें ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, आपके पास नोट्स भी रहें। देखिएगा दोस्त कुछ और सेंटेंसेस देता हूं मैंने आपको, मैंने कहा टॉम रोट जूली आ लेटर, टॉम रहता है वॉशिंगटन में, जूली रहती न्यूयॉर्क में, तो टॉम ने क्या किया पत्र लिखा, किसको जूली को, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, लिखना एक एक्शन वर्ब होती है, तो एक्शन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, यस और नो। अब आप ये मत बोलिए आ लेटर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नहीं हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। देखिए तो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वन एक ऑब्जेक्ट टू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है
कैसे पता लगाएंगे? देखो, टॉम रोट जूली, टॉम जूली लिखेगा क्या? ना, इसके बगैर काम नहीं चल रहा। टॉम रोट अ लेटर, हाँ ये सही है। इसका मतलब अ लेटर जो है इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बच जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं और क्लैरिटी आएगी। मैंने कहा टॉम गेव जूली अ गिफ्ट, टॉम ने जूली को एक गिफ्ट दिया, राइट? तो टॉम कौन हो गया हमारा सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई हमारी एक्शन वर्ब, और जूली क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और गिफ्ट भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। आप मुझे बताएंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। आपने कहा सर यहां भी ये डायरेक्ट है तो यहां भी होगा, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, हमें देखना पड़ेगा। टॉम गेव अ गिफ्ट, जच रहा है, सही भी है। टॉम गेव जूली, टॉम जूली दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। अभी अब आप सोचो सर कोई ट्रिक दे दीजिए जिससे हमें हमेशा समझ में आ जाए। देखो ये ऐसा है, जो व्हाट का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो व्हाट का आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो व्हाट का जो आंसर होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का जो आंसर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ पा रहे हैं? देखो टॉम रोट व्हाट, टॉम ने क्या लिखा, टॉम ने क्या लिखा, अ लेटर। टॉम ने किसको लिखा, जूली। जो होम का आंसर हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कोई बात समझ में आ रही है? होम का आंसर क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का आंसर क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टॉम गेव व्हाट, टॉम ने क्या दिया, गिफ्ट दिया, व्हाट का आंसर इसलिए क्या बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टॉम गेव होम, टॉम ने किसको दिया, होम का आंसर आया क्या जूली, तो जूली क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रही है, यस और नो? इनका सबसे ज्यादा आपको यूज समझ में आई अब हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे, यस और नो? वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा, किससे किससे हम क्या बनाएं, किससे हम अपना पैसिव बनाना स्टार्ट करें, किससे हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखें, राइट? खैर, आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो व्हाट का आंसर हो वो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का आंसर हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके बगैर काम ना चले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टॉम गेव जूली, टॉम जूली नहीं दे सकता, टॉम गेव अ गिफ्ट, बिल्कुल दे सकता है। तो अ गिफ्ट हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जूली हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रही है, यस और नो? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना? तो अभी हमने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हमने फिनिश कर ली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम अपने लास्ट ऑब्जेक्ट पर, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक्स है। अगर ये बेसिक आपको समझ में नहीं आए, आगे आपको चीजें नहीं समझ में आएगा। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? अगर आप दोस्तों अगर आप बहुत तेज गति से किसी चीज को सीखना चाहते हैं, उसको बस बेसिक्स को सीख लीजिएगा, बहुत फास्ट आपकी लर्निंग हो जाएगी, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, यस और नो? हम जब सीखते हैं बस गाड़ी में हमें क्लच गियर हमें पता चल जाए, बैलेंस बनाना आ जाए, बस फिर शुरुआत में आप क्या करते हैं सब चीज पर ध्यान रखते हैं, क्लच पर भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेक पर भी। बट एक बार जब सीख जाते हैं तब हम बात करते करते भी हम गाड़ी चला लेते हैं, यस और नो? अभी आप पूरा फोकस करते हैं फिर भी एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिक्स क्लियर। एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए आप यूं आप गलती निकाल देंगे, जैसे आप हिंदी में निकाल लेते हैं, जैसे मैं कहूं बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, आप सो भी रहे होंगे तब भी कहेंगे, आप थोड़ा बहुत भी कॉन्शियसनेस होगी तो आप फिर बच्चे को उबाल कर दूध कैसे पिलाएंगे, दूध को उबाल कर बच्चे को पिलाएंगे, ऐसे आप इंग्लिश की गलतियां भी फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आ जाते हैं हम अपने कॉग्निट ऑब्जेक्ट पर। आप लोग सबसे पहले इसे लिख लीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं, है ना? पॉज करें वीडियो को और आप इसे लिख लीजिएगा, है ना? तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉग्निट ऑब्जेक्ट। हो सकता है आपने इससे पहले कभी भी ऑब्जेक्ट ना पढ़ा हो, या कभी भी कॉग्निट ऑब्जेक्ट ना पढ़ा हो, तो ठीक है पढ़ लेते हैं अभी कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त, लेट्स अंडरस्टैंड, आइए सीखें। कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जो स्वयं वर्ब से निकल के आता है।
दैट इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ब, जो वर्ब से ही निकल कर आता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा ही रैन अ फास्ट रेस। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा, ही क्या है सब्जेक्ट है, रैन क्या है वर्ब है, कैसी वर्ब है एक्शन वर्ब। क्या क्या दौड़ा वो, दौड़, वो एक फास्ट रेस को दौड़ता, ये क्या होगा उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखेंगे भाई दौड़ी क्या जाती, रेस ही तो दौड़ी जाती ना, तो ये जो रेस है वो रनिंग से ही तो निकल कर ही आई है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब से निकल कर आता है उसे कहा जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, यस और नो। जैसे एक और सेंटेंस दे देता हूं मैं आपको, ही लाफ्स अलाउड लाफ्टर। क्या लिखा, ही लाफ्स अलाउड लाफ्टर। ही क्या है सब्जेक्ट, लाफ क्या होगा एक एक्शन वर्ब, उसका जो लिखा जाएगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और जब एक ही ऑब्जेक्ट होता तो वो हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कॉग्निट ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, ही लाफ्स व्हाट अ लाउड लाफ्टर, यस और नो, ही लाफ्स व्हाट लाफ्टर, वो एक हंसी, हंसी तो हंसी जाती है, अगर यहां भी अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तब भी सेंटेंस कंप्लीट होगा, ही लाफ्स वो हंसता है, लाउड लाफ्टर उसकी विशेषता टाइप से होगी, है ना। अच्छा, ही रैन जैसे ही कहा जाएगा, ही रैन वो दौड़ा, समझ में आ जाएगा भाई रेस ही तो दौड़ी जाती, लेकिन इसको और ग्लोरीफाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इसे कहा जाता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रही, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब से निकल कर आता है उसे कहा जाता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, यस और नो। हमने सीखा आज सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट और डूअर में अंतर क्या होता है, फिर हमने सीखा वर्ब क्या होती है, वर्ब दो टाइप की होती है, एक्शन वर्ब होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है। उसके बाद हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर हमने सीखा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इनिशियली अगर मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी हार्डवर्क कर लेंगे, आगे की सारी क्लासेस आपके लिए इजी हो जाएंगी और सारे एग्जाम आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर के चक्कर में रहेंगे तो आप कभी भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करिएगा, प्रीवियस ईयर यूं सॉल्व हो जाएगा, यस और नो, हेलो। तो स्पीड की फिक्र मत कीजिए, अभी एक्यूरेसी पर काम कीजिएगा, ठीक है, तो आप चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। कभी भी कोई व्यक्ति 100 की स्पीड में गाड़ी चलाना नहीं सीखता, 200 की स्पीड में गाड़ी चलाना नहीं सीखता, इंसान साइकिल चलाना सीखता है, इंसान गाड़ी चलाना सीखता है, स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है। ऐसा थोड़ी ना हमने आज लक्ष्य बनाया आज 10 की स्पीड पे चलाना गाड़ी, कल 20 की स्पीड पे, ना हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। किसी बच्चे को कभी दौड़ना नहीं सिखाया जाता है, बच्चे को केवल चलना सिखाया जाता है, वो खुद दौड़ने लग जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी कारण से कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आप उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। और अभी भी आपको कोई डाउट्स रह गए हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, यस और नो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देखने के लिए आप कमेंट जरूर करें। मिलूंगा आपसे इस एपिसोड की नेक्स्ट सीरीज में, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग द मॉडर्न इंग्लिश सीरीज। बाय बाय।